हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था उसमें जो लास्ट टॉपिक था वो हमने पढ़ा था कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो पूरा अपलोड नहीं हो पाया कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो उसको अपन दोबारा पढ़ेंगे, कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो क्या टॉपिक है हमारे पास? कूलाम के नियम का, कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे। कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है बच्चों, कूलाम के नियम को सदिश रूप में हम किस प्रकार शो करें, तो ये क्वेश्चन में भी काम आएगा। तो सपोज करो बच्चों, मैंने एक निर्देश तंत्र ले लिया। क्या लिया? एक निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक्स अक्ष हो गया और ये बच्चों कौन सा अक्ष हो गया? वाई अक्ष। ठीक है बच्चों, अब जब सदिश की बात करते हैं तो हमें हर आवेश की स्थिति को बताना पड़ेगा कि वो कहाँ पर स्थित है। तो उसी संदर्भ में सपोज करो मैंने मान लिया कि मेरे पास ये कोई चार्ज है Q1, ये कोई बिंदु आवेश है Q1। ठीक है बच्चों, और इसका जो स्थिति सदिश है वो मैंने क्या मान लिया? R1 वेक्टर। बच्चों, ये Q1 जो सदिश है बिंदु सॉरी Q1 जो आवेश है बिंदु आवेश है। गुलाम का नियम केवल किस पे लागू होता है? बिंदु आवेशों पर। तो Q1 आवेश, इसका स्थिति सदिश क्या हो गया? R1 वेक्टर। स्थिति सदिश हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष लेते हैं। स्थिति सदिश का मतलब क्या होता है कि उसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है। ठीक है बच्चों, अब दूसरे आवेश की बात करें तो सपोज दैट वी हैव Q2 आवेश, Q2 चार्ज हमारे पास है और इसका स्थिति सदिश क्या हो गया बच्चा? R2 वेक्टर। ठीक है, ये Q1 आवेश है, ये क्या हो गया? Q2 आवेश, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, दोनों समान प्रकृति के हैं, तो Q1 के कारण Q2 पे बल लगेगा। तो बचाओ, Q2 पास जाएगा, दूर जाएगा, बल किस पे लग रहा है? Q2 पर। बच्चों, जिस पर बल लगता है वो ही गति करता है, ना कि जो बल लगा रहा है वो। तो हम यहां कंसीडर करें कि सर फोर्स किस पे लग रहा है? Q2 पे लग रहा है, तो यही पास से दूर जाएगा। फिर हमने देखा ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो Q2 आवेश इसके पास जाएगा, दूर जाएगा, बिल्कुल आवेश क्या जाएगा? दूर जाएगा। और हमेशा जो आवेश की गति होती है वो बच्चों दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये हमें सर बना दिया। ठीक है, तो Q2 इससे दूर जा रहा है। बच्चों, इसको मैंने मान लिया दिस इज F21, यानी बल किस पे लग रहा है? Q2 पर। किसके कारण? Q1 के कारण। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? On 2 by 1। ठीक है, Q2 आवेश में बल लग रहा है किसके कारण? Q1 के कारण। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में लगेगा। तो सपोज करो मैं इसको कुछ नाम दे दूं, ये हो गया A पॉइंट और ये हो गया बच्चों B पॉइंट। यानी जो F21 होगा, जो F21 होगा वो A से B की ओर लगेगा। यानी इसको मैं यहां लिख दूं कि सर F21 की डायरेक्शन क्या होगी? F21 की डायरेक्शन होगी A2B। ठीक है, ओके। अब बच्चों बात इसकी आ जाए, Q1 की आ जाए, तो Q1 पर Q2 फोर्स लगाएगा। तो Q1 पे Q2 फोर्स लगाएगा, तो बताओ Q1 पास जाएगा, दूर जाएगा? बिल्कुल, दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, तो Q1 Q2 से दूर जाएगा। और किस दिशा में जाएगा? BA दिशा में। तो इसको मैंने कुछ ऐसे बना दिया इस तरह। ठीक है, एक ही रेखा है, तो इसका नाम क्या रख दिया मैंने? फोर्स किस पर लग रहा है? Q1 पर।
किसके कारण? Q2 के कारण। तो फोर्स क्या हो गया? F12। समझ गए बच्चों? F21 का मतलब क्या है? Q2 पर Q1 के कारण आरोपित वैद्युत बल, आरोपित वैद्युत बल, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही अगर F12 की बात करें, F12 किस डायरेक्शन में लग रहा है? B2A लग रहा है। तो बच्चों F12 की डायरेक्शन जो है वो मैंने क्या बना दिया? B2A। F12 का मतलब क्या हो गया? On 1/2, यानी फोर्स किस पर लगेगा? Q1 पे फोर्स लगेगा, यानी Q1 पर लगेगा फोर्स R, जो किसके कारण लगेगा? Q2 के कारण लगेगा। Q1 पर Q2 के कारण, समझ गया बच्चों? ये जो मैंने लिख दिया पूरा, Q1 पर Q2 के कारण। तो हमें सदिश रूप में फोर्स को लिखना है। अब ध्यान दें इसमें, अब जब दो आवेशों के मध्य दूरी की बात आएगी तो अब हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। F21 लेंगे तो AB डायरेक्शन में लग रहा है, तो AB को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जब F12 लेंगे तो हमें BA को निकालना पड़ेगा। तो हमें ये डिस्टेंस को निकालना है, वो हम सदिश योग के नियम से निकालेंगे। हम देख सकते हैं इस AB या BA को निकालने के लिए मैं क्या मान रहा हूं, त्रिभुज OAB में आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में सदिश योग के त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज OAB में सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाए। त्रिभुज नियम क्या होता है? कि जो क्रम में है उनको जोड़ दो और विपरीत क्रम के क्या कर दो? बराबर कर दो। सदिश योग का त्रिभुज नियम कि यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करें तो त्रिभुज को बंद करने वाली जो भुजा होगी वो विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। तो सपोज करो OA, इसको मैंने बना दिया A2B, तो लिख सकते हैं क्रम में कौन सा हो गया? OA प्लस AB बराबर क्या हो जाएगा? OB। तो बिल्कुल त्रिभुज के नियम से हम क्या लिख सकते हैं कि सर OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर एंड दिस विल बी इक्वल टू OB वेक्टर, ठीक है बच्चों। OA की वैल्यू हमारे पास क्या है? R1 वेक्टर। AB हमें निकालना है और बच्चों OB वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास? R2 वेक्टर, ठीक है बच्चों, R2 वेक्टर। तो यहां से बच्चों मैंने AB निकाल लिया और AB की वैल्यू क्या आ गई? R2 - R1, ठीक है। AB है क्या हमारे पास? R2 - R1, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इस AB जो R2 - R1 है इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं R21। AB R2 - R1 के बराबर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं R21। R21 का मतलब क्या होता है? R21 क्या हो गया? Q2 का Q1 के सापेक्ष, Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश बच्चों, R21 का मतलब है Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। क्योंकि यहां सदिश रूप की बात हो रही है तो हम एक आपेक्षिक स्थिति को लेकर बात करते हैं, Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। अब बच्चों मुझे बताओ AB R2 - R1 है, ये R21 हो गया। इसी प्रकार अगर मैं आपके सामने BA की बात करूं, दिशा बदल दी मैंने, AB या BA परिमाण तो बराबर है, अगर मैं A2B बोल रहा हूं और B2A बोल रहा हूं तो केवल किसका अंतर है? दिशा का अंतर है बच्चों। तो BA वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? -OF AB वेक्टर। BA वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? -OF BA वेक्टर = -OF AB वेक्टर, ठीक है बच्चों। दोनों का परिमाण समान, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, किसका अंतर है? केवल डायरेक्शन का अंतर है, दिशा का अंतर है, दोनों विपरीत दिशा में हैं। तो बच्चा हमारे पास क्या आ गए? -OF R21,
ठीक है बच्चों, और यहां से बी ए वैक्टर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ आर टू माइनस आर वन। यानी आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, माइनस से गुणा कर दे तो क्या आ गया, आर वन माइनस आर टू। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो आर वन माइनस आर टू का मतलब क्या हो गया, आर वन टू। ठीक है बच्चों, यानी बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी है, यानी आर वन टू माइनस ऑफ आर टू वन के बराबर है। तो बी ए लेंगे डायरेक्शन तो आर वन टू ले लेंगे, और अगर ए बी लेंगे डायरेक्शन तो क्या ले लेंगे, आर टू वन ले लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब हम फोर्स निकालते हैं सदिश रूप में। देखो तो चलो हम निकालते हैं एफ टू वन निकालें पहले। देखो आते हैं एफ टू वन। एफ टू वन क्या है, एफ टू वन क्यू टू पर क्यू वन के कारण बल। तो एफ टू वन का मतलब क्या होगा, के बोलो गुलाम का नियम, क्यू टू क्यू वन या क्यू वन क्यू टू, के क्यू वन क्यू टू अपॉन। अब बच्चों नीचे होता है दूरी का स्क्वायर, और किसी सदिश का स्क्वायर क्या बन जाता है, अदिश बन जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे मैं आर वन टू स्क्वायर बोलूं चाहे मैं आर टू वन स्क्वायर बोलूं, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन एफ टू वन कहाँ लग रहा है, ए टू बी लग रहा है। ठीक है बच्चों, यहां मेरे पास कौन सी डायरेक्शन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आर टू वन है, अगर मैं ऐसे लेके चलूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आर वन टू हो जाएगा। तो मुझे F21 की डायरेक्शन में बात करनी है, तो K Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, R21 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और आपको पता है किसी भी सदिश को हम उसके परिमाण और दिशा के साथ लिखते हैं, यानी ये तो इसका परिमाण हो गया, और हमें इसकी अब क्या लिखनी पड़ेगी, दिशा। ठीक है बच्चों, आपको बिल्कुल पता है कोई भी सदिश हमारे पास है A वेक्टर, तो पहले उसका क्या लिखेंगे, परिमाण, फिर उसी क्या लिख देते हैं, दिशा। ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने स्वेच्छा से ऐसे मान लिया कि R21 की दिशा में एकांक सदिश जो है, इसको बच्चों मैंने मान लिया R21 कैप। ठीक है बच्चों, ऐसे ही F12 की डायरेक्शन में जो एकांक सदिश है उसको बच्चों मैंने क्या मान लिया, R12 कैप। ठीक है, तो अगर F21 की बात करोगे तो F21 कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, R21 डायरेक्शन में लग रहा है, और F12 की बात करेंगे तो F12 कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, R12 कैप, यानी R12 की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसकी दिशा की बात करें तो दिशा के लिए मैंने क्या लिख दिया बच्चों, R21 कैप। क्लियर, तो इसे हम सॉल्व करें बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। हमने पढ़ा था एकांक सदिश बराबर क्या होता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण। बिल्कुल, R21 कैप का मतलब क्या होगा, सदिश बटा सदिश का परिमाण। ठीक है बच्चों, तो लेट्स सॉल्व इट, K Q1 Q2 बच्चों स्क्वायर, किसी भी सदिश का परिमाण लेते हैं तो क्या बन जाता है, अदिश बन जाता है। तो R21 स्क्वायर इनटू R21 क्या हो जाएगा, R21 क्यूब, ये हो गया R21 क्यूब, और ये हमारे पास क्या बचेगा, R21 वेक्टर। ठीक है बच्चों, और इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया F21 की वैल्यू, ये इसका परिमाण हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, स्थिति सदिश F21 का। बिल्कुल इसी को देखते हुए, सिमिलरली इसी प्रकार अगर मुझे F12 को लिखना पड़े बच्चों, F12, F12 का मतलब क्या है, इधर देखो, Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको हमने क्या माना है, F12 माना है। तो प्यारे बच्चों F12 की मैं बात करूं तो बच्चों परिमाण तो बदलेगा नहीं, कहने का मतलब K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, R12 कैप। ठीक है, तो बिल्कुल पहले की तरह F12 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब।
आर वन टू क्यूब, और ये क्या हो गया इसका स्थिति सदिश। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई ये, सेकंड। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आपको पता लग रहा है कि सर बी ए वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी वैक्टर। कहने का मतलब क्या हुआ, चूंकि आर वन टू वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टू वन वैक्टर, आर वन टू कैप इस दिशा में, सॉरी इस दिशा में, आर टू वन कैप इस दिशा में, अंतर किसका दिशा का, विपरीत सदिश है, 180 डिग्री पर अपोजिट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर अपन एक और दो की बात करें तो के क्यू वन क्यू टू आर टू वन क्यू या के क्यू वन क्यू टू आर वन टू क्यू, दोनों का परिमाण समान है, केवल किसका अंतर होगा बच्चों, दिशा का। आर वन टू माइनस ऑफ आर टू वन, आर वन टू को माइनस ऑफ आर टू वन लिखा जा सकता है, यानी देखो इसलिए समीकरण दो से क्या लिख सकते हैं, एफ वन टू वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू क्यूब, आर वन टू क्यूब परिमाण है। अब आर वन टू वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ आर टू वन वेक्टर। तो बच्चों ये हो गया माइनस ऑफ आर टू वन वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ वन टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ, और बेटा ये वाली जो वैल्यू है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू क्यूब आर टू वन, ये किसकी वैल्यू है, एफ टू वन की, तो माइनस ऑफ क्या हो गया बच्चों, एफ टू वन। तो ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसी को बोल रहे हैं अपन कोलाम के नियम का सदिश रूप, एक वेक्टर एनालिसिस करना, एक सदिश विश्लेषण हमने करा कि हमने देखा कि Q1 पर Q2 के कारण जो बल है उसका परिमाण आज बराबर है Q2 पर Q1 के कारण बल के, यानी दोनों आवेश Q1 जितना Q2 में बल लगा रहा है उतना ही बल Q2 Q1 पर लगा रहा है, अंतर केवल किसका बच्चों, दिशा का अंतर है, यानी परिणामी बल, इस निकाय का परिणामी बल क्या हो जाता है, जीरो। इंपॉर्टेंट बात, निकाय का परिणामी बल F12 प्लस ऑफ F21 विल बी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। Q1 जितना Q2 पे लगाता है उतना Q2 Q1 पे लगाता है, इसीलिए दोनों आवेश हम बोलते हैं स्थिर आवेश, बल लग रहा है, परिणामी बल क्या हो गया, जीरो। तो यहां से हमें एक बात पता लग रही है कि कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम की क्या करता है, पालना करता है, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में उतने ही परिमाण की क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब जितना Q1 प्रतिक्रिया कर रहा है Q2 पर उतना Q2 प्रतिक्रिया कर रहा है Q1 पर, परिमाण समान, दोनों का परिमाण क्या हो गया, समान, दोनों का मापांक समान है, दिशा क्या है, विपरीत। तो क्वेश्चन इसमें ऐसे ही पूछ लेते हैं कि प्रदर्शित करो कि कूलाम का नियम न्यूटन के जो गति का तीसरा नियम है यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम की बच्चों क्या करता है, पालना करता है। कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम की क्या करता है बच्चों, पालना करता है। तो उसमें आपको यह सब करना पड़ेगा, क्लियर। दोनों आवेश एक दूसरे पर समान परिमाण का लेकिन विपरीत दिशा में वैद्युत बल आरोपित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो बच्चों हमने कूलाम का नियम पढ़ा, हमने परावैद्युतांक पढ़ा और कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ा। ठीक है बच्चों, कूलाम का जो नियम है, कूलाम का जो नियम है बच्चों, कूलाम का नियम, वो कितने आवेशों पर अप्लाई हो रहा है, दो आवेशों पर। कूलाम का नियम दो आवेशों पर लग रहा है। अगर मान लो किसी निकाय में तीन आवेश आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, एन आवेश आ जाए, अनंत आवेश आ जाए, तो क्या करोगे, कूलाम के नियम की सहायता से केवल हम दो आवेशों के मध्य स्थिर और बिंदुवत आवेश होने चाहिए।
दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल की गणना कर सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा आवेश हो जाए then what will you do? तो उसके लिए हमारे पास फिजिक्स में एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, इसे बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। यानी नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया हमारा, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है बच्चों, न्यूमेरिकल आता है इसमें। अध्यारोपण का सिद्धांत सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर किसी निकाय में दो से ज्यादा आवेश हो, अगर दो आवेश हमारे पास हैं, then we can apply Coulomb's law and we can find out the electric force. लेकिन अगर दो से ज्यादा आवेश आ रहे, if we have more than two charge, then what will you do? क्या करोगे आप? दो से ज्यादा आवेश हमारे पास आ जाए, then we will apply superposition principle, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत बच्चों, ठीक है? तो समझे इसको, क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि सपोज करो मेरे पास एक निकाय मैंने ले लिया बच्चों, ये मेरे पास कोई सिस्टम है, यहां पर रखा हुआ है मान लो क्यू आवेश, यहां रखा हुआ है क्यू वन, यहां रखा हुआ है क्यू टू, यहां रखा हुआ है क्यू थ्री, और यहां पे क्या रखा हुआ है क्यू फोर आवेश, ठीक है बच्चों? तो ये जो सिस्टम मेरे पास है इसमें कितने चार्ज हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव, तो मेरे पास पांच आवेश हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस पर बल बताओ, इस वाले आवेश पर हमें किसकी गणना करनी है, फोर्स की, यानी वैद्युत बल की हमें गणना करनी है। तो क्या कहता है अध्यारोपण सिद्धांत, आप समझे इसको, क्वेश्चन में बहुत काम में आता है ये। अब बच्चों देखो, इस वाले क्यू पर ये क्यू वन वाला फोर्स हम निकाल सकते हैं, भाई दो आवेश हमारे पास हो गए, सपोज करो दूरी हो गई आर वन, ये दूरी क्या हो गई आर टू, ये दूरी क्या हो गई आर थ्री, एंड ये दूरी क्या हो गई आर फोर। इन दो आवेशों मतलब अगर ये सिस्टम की मैं बात करूं तो हम बल निकाल सकते हैं के क्यू वन क्यू अपॉन आर वन स्क्वायर, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे बच्चों, जोड़े बना लेंगे इस तरह, क्यू वन और क्यू का जोड़ा, ऐसे क्यू टू और क्यू का जोड़ा, क्यू थ्री और क्यू का जोड़ा, जोड़ा दो का बनता है हमेशा, क्यू फोर और क्यू का जोड़ा हमने बना लिया, डिस्टेंस भी हमारे पास दी हुई होगी, तो हम चारों फोर्स निकाल सकते हैं। तो अब हमने जो बल निकाला है, नेट फोर्स कैसे निकालें? तो भाई इसके कारण भी इस पे बल लगेगा, इसके कारण भी इस पे बल लगेगा, यानी Q1, Q2, Q3, Q4 सभी इस Q वाले आवेश पर क्या लगाएंगे आज, वैद्युत बल लगाएंगे। तो कैपिटल Q आवेश पर, यानी किसी एक आवेश पर निकाय के अन्य आवेशों के कारण जो बल लग रहा है, उन सभी बलों का बेटा आप क्या करोगे, सदिश योग करोगे। क्या करोगे? सदिश योग, वेक्टर सम, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। सदिशों को जोड़ने के हमारे पास कुछ नियम है, जैसे त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, या फिर बहुभुज का नियम, तो उसको हम अप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, क्या होता है? किसी निकाय में उपस्थित, लैंग्वेज आप बना सकते हो, किसी निकाय में उपस्थित एक आवेश पर निकाय के अन्य आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत बल का मान, कुल वैद्युत बल का मान अलग अलग आवेशों के कारण उस आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के बच्चों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है? इसे बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो क्या होता है देखो, निकाय में उपस्थित कोई सिस्टम हमारे पास होगा, किसी निकाय, चलो ऐसे लिख लो,
किसी निकाय में उपस्थित आवेश पर, किसी निकाय में उपस्थित आवेश पर निकाय के शेष जो आवेश है, क्योंकि बहुत सारे आवेश हम ले रहे हैं, किसी निकाय में उपस्थित आवेश पर निकाय के शेष आवेशों के कारण आरोपित परिणामी वैद्युत बल यानी नेट इलेक्ट्रिक फोर्स रिजल्टेंट, परिणामी वैद्युत बल का मान उस आवेश पर अन्य जो आवेश हैं, अन्य आवेशों के कारण जो अलग अलग फोर्स लगेगा, अलग अलग आरोपित वैद्युत बलों के अलग अलग आरोपित वैद्युत बलों के सदिश योग के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, किसी निकाय में उपस्थित आवेश पर कोई आवेश होगा, ठीक है बच्चों, अब उसके अलावा जो आवेश है शेष आवेशों के कारण जो परिणामी वैद्युत बल होगा, वो सभी आवेश जो है उस आवेश पर जो बल लगा रहे हैं अलग अलग, उनका कौन सा योग करना पड़ेगा, सदिश योग करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, कि आपको एक आवेश पर बल निकालना है तो आपको ये देखना है कि उसके अलावा निकाय में और कितने आवेश हैं। कोई भी आवेश स्वयं पर बल थोड़ा लगाएगा, बल हमेशा दूसरे के कारण ही लगता है। तो जिस आवेश पर हमें फोकस करना है, बल निकालना है, उसके अलावा जितने भी आवेश होंगे निकाय में वो बल लगाएंगे, तो आपको अलग अलग बल निकालना पड़ेगा और उनका सदिश योग करना पड़ेगा, यानी दिशा का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा डेरिवेशन करें इसको। मान लो मेरे पास ये कोई दोबारा सिस्टम हो गया, निर्देश तंत्र हो गया, एक्स अक्ष हो गया, मूल बिंदु हो गया, और ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैंने क्या करा, एक चार्ज दे लिया Q1 चार्ज, ठीक है, Q1 बिंदु आवेश, और इसका मैंने स्थिति सदिश क्या मान लिया, R1 वेक्टर, ठीक है बच्चों। एक बच्चों मैंने चार्ज ले लिया Q2 आवेश, और इसका मैंने स्थिति सदिश क्या मान लिया, R2 वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब ऐसे बहुत सारे आवेश मेरे पास हैं, तो सपोज करो मैंने तो ऐसे मान लिया कि n-वा आवेश Qn, Q1, Q2, Q3, Q4, n-वा आवेश Qn, और इसका स्थिति सदिश कितना है बच्चों, Rn वेक्टर, ठीक है। अब मैं थोड़ा अलग करने के लिए मैं ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ कि मुझे भाई इस पे फोर्स निकालना है Q0, ठीक है, यानी हमारा ये जो चार्ज है Q0, हमें इस पर फोर्स निकालना है, Q0 पर वैद्युत बल निकालना है, ठीक है बच्चों। और इस Q0 का मैंने जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लिया R0, कुछ भी मान सकते हो, Q1 पे निकाल लो। तो थोड़ा अलग करने के लिए, तो अब हमें किस पे फोर्स निकालना है, Q0 पे निकालना है। मुझे बताओ Q0 के अलावा हमारे पास कितने चार्ज हैं, 1, 2, 3, 4 n आवेश हमारे पास है, तो इस सभी आवेश Q0 पे क्या लगाएंगे, वैद्युत बल लगाएंगे। और हमें पता है कि जो वैद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, क्योंकि यहाँ दिशा आपको बतानी पड़ेगी, दिशा गलत हो गई तो सवाल भी गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, तो अब देखें Q0 पे फोर्स निकालना है तो बच्चों Q1 भी लगाएगा, तो Q1 के कारण फोर्स ऐसे लगेगा, Q1 के कारण फोर्स लग रहा है किस पर, Q0 पर, भाई दोनों धनात्मक है
क्यू नॉट पास जाएगा, दूर जाएगा, बिल्कुल दूर जाएगा, क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा है। लेकिन दूर कैसे जाएगा, कौन से मार्ग पे जाएगा, कौन से रास्ते पे जाएगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश सीधी रेखा पर स्ट्रेट लाइन पर जाएगा। तो बच्चों फोर्स किस पे लग रहा है, क्यू नॉट पे, इसको मैंने मान लिया एफ नॉट वन। क्यू नॉट पर क्यू वन के कारण वैद्युत बल। अब बच्चों क्यू टू भी बल लगाएगा, तो क्यू टू भी लगाएगा क्यू नॉट पर, ऐसे तो लगाएगा। क्यू टू बल लगा रहा है किस पर, क्यू नॉट पर, पास जाएगा दूर जाएगा, दूर जाएगा, कैसे दूर जाएगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जाएगा। यानी यहां कितना फोर्स लगेगा, एफ नॉट टू। ऐसे ही मान लो ये भी मेरे पास चार्ज है क्यू एन, तो मैंने इसको भी मान लिया इस तरह, तो बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों ने देख लिया कि एफ नॉट एन, एफ नॉट एन यानी क्यू एन के कारण क्यू नॉट पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ नॉट एन। तो बच्चों जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल, तो कैसे निकालेंगे परिणामी बल, इसे सपोज करो मैंने क्या मान लिया बच्चों, एफ नॉट। एफ नॉट का मतलब क्या है, क्यू नॉट पे बल लग रहा है। एफ नॉट का मतलब क्या बच्चों, क्यू नॉट पे फोर्स लग रहा है। तो एफ नॉट का मतलब एफ नॉट वन क्यू नॉट पर क्यू वन के कारण, प्लस सदिश रूप ले रहे हैं क्यू नॉट पर क्यू टू के कारण, और ऐसे ही बच्चों क्यू नॉट पर किसके कारण फोर्स निकाल रहे हैं, क्यू एन के कारण। तो आप देख रहे हैं बलों को मैंने कैसे योग करा है, सदिश योग करा है बच्चों, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज रखें, तो कुलाम के नियम का सदिश रूप तो हमने पढ़ा हुआ है एफ नॉट वन, तो क्या लिखेंगे के क्यू नॉट क्यू वन, क्योंकि ये जो बल है वो किस पे लग रहा है, क्यू वन क्यू नॉट पे। तो के क्यू नॉट क्यू वन दूरी क्या लोगे, आर जीरो वन या आर नॉट वन स्क्वायर और आर नॉट वन कैप, ठीक है बच्चों। ऐसे लिखा था ना अभी एफ वन टू कि के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू स्क्वायर आर वन टू कैप। तो कुलाम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप को ही हम यहाँ काम में ले रहे हैं कि दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल सदिश रूप के रूप में हम लिख रहे हैं। तो आर नॉट वन का मतलब क्या हो गया, क्यू नॉट का क्यू वन के सापेक्ष स्थिति सदिश, प्लस बच्चों एफ नॉट टू को बोलो क्या लिखोगे, के क्यू नॉट क्यू टू अपॉन आर नॉट टू स्क्वायर, ऐसे आर नॉट टू कैप, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही हम आगे क्या लिख सकते हैं, क्यू एन के कारण जो फोर्स लगेगा क्यू नॉट पर, उसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, के क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर नॉट एन स्क्वायर और आर नॉट एन कैप, ठीक है ओके। तो इसे बच्चों हम ऐसे लिख लें एफ नॉट इज इक्वल टू, अब बताओ कुछ कॉमन कॉमन आ रहा है क्या इसमें, आप देख रहे हैं बच्चों के कॉमन आ रहे हैं और क्यू नॉट भी क्या आ रहा है कॉमन, के क्यू नॉट के क्यू नॉट के क्यू नॉट कॉमन आ रहा है, और हमारे पास अंदर क्या बचेगा बच्चों, क्यू वन अपॉन आर नॉट वन स्क्वायर आर नॉट वन कैप, ठीक है, प्लस क्यू टू अपॉन आर नॉट टू स्क्वायर आर नॉट टू कैप, और ऐसे ही डॉट 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 आगे चलता रहेगा। और लास्ट जो एंड वा पद है वो हमें क्या मिलेगा, क्यू एन अपॉन आर नॉट वन आर नॉट टू, तो क्या हो गया आर नॉट एन का स्क्वायर और आर नॉट एन कैप, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हमने इसको लिख दिया। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट में हमने टर्म्स लिखी है, जो मान लिखे हैं, वो एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब ये आवेश है, ये दूरी का स्क्वायर है, ये आवेश है, ये दूरी का स्क्वायर है, ये आवेश है, दूरी का स्क्वायर है। और मैंने आपको बताया था अगर एक जैसे पद जुड़ रहे हो तो अपन एक सिंबल काम लेते हैं, एक प्रतीक हम काम लेते हैं, उसको बोलते हैं समेशन। मतलब आपको एन पद लिखने के बजाय आप एक पद लिख सकते हो समेशन लगाकर। अगर एक जैसे पद सिमिलर समान पद अगर जुड़ रहे हो, एक जैसे पद जुड़ रहे हो, देन वी कैन अप्लाई समेशन, ठीक है बच्चों।
तो हम इसको समेशन के रूप में लिख दें, तो एफ नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट, देखो बच्चों समेशन क्यू वन क्यू टू क्यू एन, तो मैंने लिख दिया क्यू आई, आई की वैल्यू आई फ्रॉम वन टू एन, ठीक है बच्चों। नीचे क्या आएगा, आर जीरो वन आर जीरो टू आर जीरो थ्री आर जीरो एन, तो क्या लिखोगे, आर जीरो आई स्क्वायर एंड आर जीरो आई कैप, ठीक है, आर जीरो आई कैप, आई की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई, वन टू एन, ठीक है बच्चों। तो आप रख के देख सकते हैं, आई की वैल्यू वन रखें, क्यू वन अपॉन आर नॉट वन स्क्वायर आर नॉट वन कैप, पहला पद आ गया, समेशन है तो प्लस आएगा, प्लस आई वन के बाद क्या हो जाएगा टू, तो टू पुट करें इसमें क्यू टू अपॉन आर नॉट टू स्क्वायर आर नॉट टू कैप, फिर टू के बाद थ्री और लास्ट वाला पद कौन सा आएगा एन, तो क्यू एन अपॉन आर नॉट एन स्क्वायर और आर नॉट एन कैप, ठीक है बच्चों। हम इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे स्टेप को आगे, एफ नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन के की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों, एंड समेशन आई फ्रॉम वन टू एन क्यू आई अपॉन आर जीरो या आर नॉट आई का स्क्वायर। एकांक सदिश का मतलब होता है बच्चों, अभी हमने पढ़ा सदिश बटा सदिश का परिमाण, तो आर नॉट आई कैप को मैं क्या लिख सकता हूं, सदिश यानी आर नॉट आई सदिश बटा सदिश का क्या हो गया बच्चा, परिमाण, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, एफ नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एंड वी हैव समेशन I from 1 to n and this is qi upon square into 1, कितना हो गया r0i cube and r0i vector, ठीक है बच्चों। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, f not is equal to q not upon 4 pi epsilon not and summation I from 1 to n बच्चों qi upon, अब आर नॉट आई का मतलब क्या होता है, आर नॉट माइनस आर आई बेटा क्या है क्यू, और आर नॉट आई पता है आर नॉट माइनस आर आई यानी क्यू नॉट का क्यू आई के सापेक्ष स्थिति सदिश, ठीक है। तो ये हमारे पास अध्यारोपण के सिद्धांत से हम इस तरह कुल बल का मान, कुल वैद्युत बल का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्लियर। तो क्या हुआ, अध्यारोपण का सिद्धांत, निकाय में बहुत सारे आवेश आपको मिलेंगे, अब किसी एक आवेश पर फोकस करेगा कि भाई इस पे बल बताओ, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस आवेश में बल निकालना है उसके अलावा उसके अतिरिक्त और कितने आवेश हैं, तो सभी आवेश बल लगाएंगे उस पर जिस पे वो पूछ रहा है, उनका सदिश योग आपको करना है, ठीक है बच्चों। तो ये है अध्यारोपण का सिद्धांत, चलो आगे चलते हैं, मूव करते हैं आगे। चलो बच्चा कुछ क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे, उनको समझे आप, देखो कुछ क्वेश्चन है अपन, चलो एक बुक का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्लस नाइन और प्लस फोर दो आवेश आपके पास हैं, और ये बच्चों कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, क्वेश्चन लिखो क्या आप समझ जाओगे, चलो मैं लिख ही देता हूं, क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, दो आवेश प्लस नाइन ई व प्लस फोर ई, दोनों पॉजिटिव, दो आवेश प्लस नाइन ई व प्लस फोर ई परस्पर स्मॉल आर दूरी पर स्थित है,
ठीक है बच्चों, दो चार्ज है प्लस नाइन ही और प्लस फोर ही परस्पर r दूरी पर स्थित है। ठीक है, कह रहा है एक अन्य आवेश, एक अन्य आवेश क्यू, ये भी पॉजिटिव है, एक अन्य आवेश क्यू को दोनों आवेशों को एक अन्य आवेश क्यू को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखे कि इस वाले आवेश पर कि उस पर किसकी बात हो रही है, क्यू की, उस पर, या ऐसा बोल दें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, कहां रखे कि वह, कहां रखे कि वह, वह का मतलब कौन सा क्यू, वह संतुलन में रहे, वह संतुलन में रहे, ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो आवेश हमारे पास है प्लस नाइन ई प्लस फोर ई, दो चार्ज है प्लस नाइन ई प्लस फोर ई, ठीक है बच्चों, कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। तो हमने इसको चित्र बना के देखा, तो बच्चों मेरे पास ये हो गया प्लस नाइन ई आवेश, ठीक है, और ये मेरे पास हो गया प्लस फोर ई आवेश, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये जो डिस्टेंस हमें दी हुई है इसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर, ठीक है। अब कह रहा है तीसरा आवेश है क्यों, इसको कहां रखे, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कहां पे रखना है इसको ताकि वो संतुलन में रहे। तो बच्चों पहली बात तो ये है, संतुलन का मतलब क्या होता है, संतुलन का मतलब ये होता है कि उस पर जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल वो क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। हमने पढ़ा हुआ है ग्यारहवीं क्लास में भी, अगर कोई निकाय संतुलन में है तो उस निकाय का जो कुल परिणामी बल है वो जीरो होना चाहिए, या उस निकाय में जो उपस्थित आवेश है उस सब पर परिणामी बल जीरो होना चाहिए। तो आपसे कह रहा है अभी तो क्यों की बात कर रहा है कि भाई ये संतुलन में रहे, यानी इस पर कोई बल नहीं लगे, कोई फोर्स नहीं लगे, गति नहीं करे, संतुलन में रहे, विराम अवस्था में रहे, तो परिणामी बल क्या हो जाना चाहिए, जीरो। अब बच्चों यहां क्वेश्चन है हमारे पास, अब क्वेश्चन ये है कि रखे का, क्योंकि आपसे कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, तो भाई रेखा तो पूरी हो गई वाली, रेखा तो पूरी है ना, ये रेखा पूरी है, यहां रखे, यहां रखे कि यहां रखे, तीन केस हो गए, कहने का मतलब राइट साइड रखें, यहां रखें, या लेफ्ट साइड रखें, या बीच में रखें, बीच का मतलब इन दोनों आवेशों के मध्य, यहां 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 कहां रखें, तो लेट्स चेक इट, इसको चेक करना पड़ेगा आपको, आगे तो आप सीख जाओगे, अभी चेक करके देखें, जल्दी किसी बात के लिए समझो आप चीज को, क्यों को रखना है। तो बच्चों मैंने क्या करा, इसको यहां रख दिया, इस क्यू आवेश को मैंने यहां रख दिया, कुछ दूरी हमारे पास होगी, तो देखो इस क्यू आवेश को मैं अलग से बता दूं आपको, क्यू आवेश को मैंने यहां रखा, ये मान लो प्लस नाइन ही चार्ज है, और मान लो ये प्लस हमारे पास फोर ही चार्ज है, ठीक है बच्चों, प्लस नाइन ही चार्ज हमारे पास है, प्लस फोर ही चार्ज हमारे पास है, तो ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ये बल लगाएगा, इस पर बल लगेगा इसके कारण, तो पास जाएगा दूर जाएगा, बिल्कुल ये दूर जाएगा, ये फोर्स ऐसे लगेगा, सपोज सर मैंने इसको मान लिया F1, क्या मान लिया F1, ये भी फोर्स लगाएगा। अब इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा, पास जाएगा, इसको भूल जाओ आप, पास जाएगा दूर जाएगा, बिल्कुल दूर जाएगा, तो भाई ये भी यही लगेगा, ये नाइन ही था, मान लो मैंने क्या मान लिया F2 मान लिया। और बेटा इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, दोनों सदिश हो गए समान सदिश हैं, यानी जो परिणामी बल आएगा वो क्या होगा F1 प्लस F2,
और इसका मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जोड़ रहे हो आप, ये तभी जीरो हो सकता था जब दोनों जीरो हो, लेकिन अब दोनों का कुछ ना कुछ परिमित मान आपको मिलेगा। जब आप कूलॉम का नियम लगाओगे तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये दूरी हमें लेने पड़ेगी, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ये दूरी हमें लेने पड़ेगी, तो यहां पर नहीं रख सकते आवेश को। इसी प्रकार अगर यहां पे आवेश को रखें तो अब ये बल लगाएगा ये दूर जाएगा, ये बल आवेश बल लगाएगा दूर जाएगा, यानी दोनों बल कैसे होंगे, समान दिशा में होंगे और दोनों का कुछ ना कुछ मान है, तो ना तो हम राइट साइड रखेंगे ना लेफ्ट साइड रखेंगे, तो हमें आवेश को कहां रखना चाहिए, बीच में रखना चाहिए। तो दो समान आवेश, समान आवेशित यानी समान प्रकृति के आवेश हो, और तीसरा आवेश आपसे पूछे कि कहां रखें, तो कहां रखना चाहिए, उनके दोनों आवेशों के मध्य कहीं रखें, जरूरी है बीच में कहीं भी रखें, तभी बल का मान क्या होगा, जीरो। समझ चुके हो आप, तो इसको सॉल्व करें, अब आप कर लोगे बिल्कुल। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया प्लस नाइन आवेश, ठीक है, और ये कौन सा आवेश आ गया, प्लस फोर ई। डिस्टेंस कितनी है, प्लस नाइन ई से लेकर प्लस फोर ई, डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। अब मैंने माना कि मैंने इस आवेश को, जो तीसरा आवेश है उसको यहां रख दिया, और ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस सपोज करो मैंने क्या मान ली, स्मॉल डी। तो बचाओ बच्चों, बची कुछ डिस्टेंस क्या हो गई, पूरा आर है ये डी है, तो क्या बचा, आर माइनस डी, आर माइनस डी, ठीक है। तो देखो अब क्यू पर ये आवेश बल लगाएगा और क्यू पर ये आवेश बल लगाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्यू आवेश पर ये जो नाइनी वाला आवेश बल लगा रहा है, समझाने के लिए मैं अलग से बना दूं कि प्लस नाइनी ये हो गया क्यू, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी, बल किसे पूछ रहा है, क्यू पर, तो क्यू आवेश पर नाइनी बल लगाएगा तो पास जाएगा दूर जाएगा, आप कहोगे सर दूर जाएगा, इसको मैंने क्या मान लिया बच्चों, F1 मान लिया, क्या मान लिया, F1। तो सपोज करो हम ऐसा ले लें कि भाई अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आई कैप मान लो, और ऐसे चलोगे तो क्या मान लो, माइनस आई कैप मान लो, क्योंकि एक्स अक्ष की तरह हमें लग रहा है दिशा के लिए। तो F1 की वैल्यू क्या होगी, के क्यू वन क्यू टू, और डिस्टेंस कितनी है बच्चों, डी, डी का स्क्वायर, और ये ऐसे लग रहा है यानी कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम दूसरा जोड़ा ले, इस क्यू चार्ज हो गया और ये हो गया प्लस का फोर ई चार्ज, और ये डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस डी, तो प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा फोर ई के कारण, पास जाएगा दूर जाएगा, बिल्कुल दूर जाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। तो बच्चों इसको मैंने क्या मान लिया, F2 मान लिया, क्या मान लिया, F2, यानी इस डायरेक्शन में। तो F2 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, F2 इज इक्वल टू बच्चों के Q1 Q2 अपॉन R माइनस डी का होल स्क्वायर, क्योंकि अब दूरी कितनी है, R माइनस डी, और इसी दिशा क्या होगी, माइनस आई क्या, ठीक है बच्चों, यानी दोनों विपरीत दिशा में है, F1 I कैप डायरेक्शन में, F1 ऐसे लग रहा है, ये F1 की डायरेक्शन हो गई, और बच्चों F2 ऐसे लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है। तो दो विपरीत सदिश आपके पास हो तो कह रहा है परिणामी सदिश जीरो हो जाए, परिणामी बल जीरो हो जाए, तो उसके लिए क्या जरूरी है, बोलो, सोचो सोचो सोचो, दो बल विपरीत दिशा में है। अब मैं कह रहा हूं जीरो कब होगा, कहने का मतलब ये हुआ कि F1 तो इस डायरेक्शन में आ गया, और बच्चों F2 इस डायरेक्शन में आ गया, यानी अगर कोई वस्तु को अपन ऐसे खींचे और ऐसे खींचे तो वस्तु कहीं नहीं जाए, संतुलन में रहे, तो आप कहोगे सर दोनों बल का परिमाण भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे कि आवेश Q के, आवेश Q के संतुलन के लिए दोनों बलों का परिमाण भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए,
यानी परिणामी बल क्या होना चाहिए, जीरो। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है, एफ वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टू वेक्टर, और इसका परिमाण लेंगे तो परिमाण क्या हो जाएगा, एफ वन इज इक्वल टू एफ टू। परिणामी बल जीरो होने के लिए जरूरी है कि उनका परिमाण क्या होना चाहिए, समान। तो चलो मान रख देते हैं इसमें हम, तो रखो भाई एफ वन का मान, परिमाण लेके चल रहे हैं बच्चों, एफ वन का परिमाण, इकाई सदिश का परिमाण क्या हो जाता है, वन। तो मान रखे इसमें के नाइन ई क्यू अपॉन डी स्क्वायर, एकांक सदिश का परिमाण क्या हो गया ए, इसका परिमाण ले रहे हैं, ये परिमाण ले लिया इसका परिमाण, तो आई कैप का परिमाण क्या हो जाएगा, वन के नाइन ई क्यू अपॉन डी स्क्वायर, और इसका परिमाण लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक। तो क्या बचा हमारे पास, के क्यू फोर ई अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसे हल करके हमें किसका मान निकालना है, डी का, कि कहां रखें। तो अब वो दिख रहा है के से के कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया, और क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, यहां लिख दो मैं, देखो क्या बचा हमारे पास, यहां बचा नाइन अपॉन डी स्क्वायर, क्या बचा बच्चों, नाइन अपॉन डी स्क्वायर, और यहां क्या बच रहा है, फोर अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी इसके बाद ये वाला स्टेप है, नाइन अपॉन डी स्क्वायर बाकी तो कट गया, और यहां बच रहा है फोर अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, रूट ले ले इसको, ऐसे लिख दे थ्री अपॉन डी का स्क्वायर और टू अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं बच्चों, अंडर रूट लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, थ्री अपॉन डी इज इक्वल टू टू अपॉन आर माइनस डी। तो अब तो काम आसान हो गया, तो करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, थ्री आर माइनस थ्री डी इज इक्वल टू टू डी, तो यहां से 3R is equal to 3D उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 5D। तो बच्चों यहां से जो वैल्यू आएगी हमारे पास स्मॉल d की, वो कितनी आएगी, 3R अपॉन 5, 3R अपॉन 5, यानी d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3R अपॉन 5। ठीक है, तो आप इसे 3R अपॉन 5 पर रखें, कौन से आवेश से, प्लस 9 ही आवेश से, तो बल का मान क्या हो जाता है इस पर, जीरो। और अगर आपसे पूछे इस आवेश से, तो डी का मान 3R अपॉन 5 हम लेस कर सकते हैं, तो ये वाली दूरी कौन से चार्ज से, प्लस 9 ई से। अगर पूछा है 4 ई से बताओ, तो प्लस 4 ई से दूरी कितनी है इस चार्ज की, R माइनस डी, तो R माइनस डी की वैल्यू रखो 3R अपॉन 5, तो बच्चा क्या आ गया 5R माइनस 3R अपॉन 5 यानी 2R अपॉन 5। तो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि कौन से पूछे, तो 9E से तो D है जिसका मान 3R अपॉन 5 है बच्चों, और 4E से हमारे पास है 2R अपॉन 5। तो अगर संतुलन की बात करें तो आप ध्यान रखना कि उस पर परिणामी बल क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, समझ में आ गया आपको, आगे मूव करते हैं, केवल दिशा का ध्यान रखना है और अध्यारोपण का सिद्धांत आपको इसमें लगाना है, सदिश रूप में बात करना है। ठीक है बच्चों, चलो एक छोटा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चों कोई वर्ग आपके पास है, इसकी भुजा कितनी है, स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए इसकी भुजा है, और इसके हर कोने पर क्यू आवेश रखा हुआ है, यानी ए भुजा वाला कोई वर्ग है, उसके प्रत्येक शीर्ष पर कितना आवेश है, क्यू आवेश है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
प्रत्येक आवेश पर, प्रत्येक आवेश पर वैद्युत बल का परिमाण ज्ञात करें। ये क्वेश्चन क्या है? ठीक है बच्चों, स्मॉल ए भुजा का कोई वर्ग हमारे पास है, उसके हर कोने पर, उसके हर शीर्ष पर स्मॉल क्यू आवेश रखा हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक आवेश पर, इस पर, इस पर, इस पर क्या निकालिए, वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। तो हम किसी एक आवेश को लेके चले, तो देखो समझे बच्चों इसको। तो सपोज करो मैंने इसको इस तरह बना लिया कि मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है बच्चों, और ये डी पॉइंट है। ठीक है, ये क्यू आवेश, ये क्यू आवेश, ये भी क्यू और ये भी क्यू। ठीक है, तो सपोज करो आप इसको आप कंसीडर कर लो, इस पे फोकस कर लो, आप जो अच्छा लगे। मान लो मैं इसको लेके चल रहा हूँ, बी पर जो आवेश है इस पर फोकस कर रहा हूँ। तो बताओ इसके अलावा निकाय में और कितने आवेश हैं? आप कहोगे सर तीन है, ए पर रखा हुआ है, सी पे रखा हुआ है और डी पे रखा हुआ है। ठीक है, कोई छूट आनी चाहिए। तो बच्चों इस आवेश पर हर आवेश बल लगाएगा, और बल हमेशा कैसा लगता है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्टेंस भी a है, ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है हमके पास। ठीक है, a मीटर भुजा है, a मीटर। तो मान लो हमें इसकी बात करूं, कोई सा भी ले सकते हैं आप, क्योंकि हर आवेश पे पूछ रहा है। मैं इस आवेश की बात करूं तो इस आवेश पर ये भी फोर्स लगाएगा, तो इस पर फोर्स लग रहा है, पास जाएगा, दूर जाएगा, बताओ ए बी की तरफ जाएगा कि बी की तरफ जाएगा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि सर ये आवेश दूर जाएगा, यानी ऐसे जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ऐसे बोल दिया कि एफ बी पर लग रहा है ए के कारण, बी पे लग रहा है ए के कारण। ऐसे बच्चों सी वाला जो आवेश है वो भी बल लगाएगा, पास जाएगा, दूर जाएगा, बिल्कुल दूर ही जाएगा। उसको मैंने ऐसे बोल दिया कि सी पर, सी के कारण ए जो बी पर फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, बी सी। भाई बल किस पे लग रहा है? बी पे लग रहा है, किसके कारण? सी के कारण। और बच्चों आप देख रहे हो, इसको मत भूल जाना, ये भी तो फोर्स लगाएगा। तो चलो इसको मैं यहां लिख लूं बी पॉइंट, और ये पॉइंट हमारे पास है बी पॉइंट, तो इसके कारण भी फोर्स लगेगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ये बी पॉइंट था, तो ये क्यू आवेश इसमें फोर्स लगाएगा। अब फोर्स ऐसे थोड़ा लगेगा, कुलाम कहता है कि जो बल लगता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक है बच्चों, तो डी के कारण भी बी पर फोर्स लगेगा। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, एफ बी डी, एफ बी डी। तो मेरे पास बच्चों तीन फोर्स आ गए, अब इनका हमें परिणाम ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पता लग रहा है कि इस वाली कंडीशन में हम समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएं, तो इसका यानी इस वाले बल का और इस वाले बल का परिणाम यही होगा। यानी सपोज करो इसको मैंने बोल दिया एफ डैश, क्या बोल दिया, एफ डैश। यानी कहने का मतलब एफ डैश क्या हुआ, मैंने क्या माना एफ डैश, एफ बी ए व एफ बी सी का परिणामी, एफ बी ए और एफ बी सी का क्या है बच्चों, ये परिणामी, जिसकी डायरेक्शन क्या है, बी बी दिशा में, डी बी दिशा में। तो हमारे पास तीन फोर्स हैं, लेकिन हमारे पास परिणामी बल निकालने के लिए, दो सदिशों के लिए हमारे पास सूत्र होता है। तो हमने देखा बच्चों कि एफ बी ए और एफ बी सी का परिणामी निकाल दे वो हो गया एफ डैश, और ये दोनों हो गए समान दिशा में, जोड़ देंगे। तो पहले अब हमें पता है कि दो सदिश अगर लंबवत हो, क्योंकि आपको दिख रहा है ये दोनों सदिश कैसे हैं, परपेंडिकुलर।
कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर एफ बी और ये क्या लग रहा है एफ बी सी, इनका परिणामी क्या हो गया एफ डैश मैंने मान लिया, तो ये एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री। तो दो सदिश अगर लंबवत होते हैं तो परिणामी सदिश का फॉर्मूला क्या होता है आर इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। P और Q अगर लंबवत होते हैं, 11वीं क्लास में बहुत डिटेल में आपने पढ़ा है, P और Q अगर लंबवत हैं तो उनका परिणामी सदिश का परिमाण R is equal to क्या होगा अंडर रूट P square plus Q square। तो बच्चों F dash को निकालें इस वाले फॉर्मूले से रूट P square plus Q square, तो क्या बचेगा F dash is equal to परिमाण ले रहे हैं अंडर द रूट क्या होगा बच्चों एफ बी सी स्क्वायर प्लस एफ बी ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करें हम एफ बी सी ये कितना होगा इस पर इसके कारण फोर्स लग रहा है इस आवेश पर इसके कारण एफ बी सी, बोलो एफ बी सी एरा बी पर क्यू सी पर क्यू डिस्टेंस कितनी ए, तो क्या होगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस एफ बी ए कितना बी ए लग रहा दो आवेश Q Q ये भी Q दूरी कितनी A, तो ये भी कितना हो जाएगा K Q into Q upon A square। तो बिल्कुल आपको पता है कि F dash का परिमाण क्या आ गया बच्चों K Q square upon A square plus K Q square upon A square डबल हो गया यानी क्या बच गया 2 K Q square upon A square, ठीक है। तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या आएगा रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमारे पास आ गया, क्या बचा हमारे पास रूट टू को अलग ले ले और ये रूट टू के हो गया हमारे पास और ये क्या आ गया क्यू अपॉन ए यानी रूट टू इंटू एफ भी आप लिख सकते हो, तो रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर समझ गया ना क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो गया ट्वाइस यानी डबल के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो के और रूट के और टू को मैंने रूट पे ले लिया और क्यू स्क्वायर का क्यू और ए का ए स्क्वायर का ए ये फोर्स हमारे पास आ गया। अब एफ डैश तो हमने निकाल लिया, अब बताओ एफ बी डी कितना होगा एफ बी डी एरा यहाँ क्यू लेकिन ये डिस्टेंस कितनी होगी आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये ए तो बी डी कितना होगा बताओ लगाओ पाइथागोरस प्रमेय बी डी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लॉग स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर का मान कितना आ गया टू ए स्क्वायर, तो यहाँ बी डी का मान कितना आ जाएगा रूट टू इंटू ए यानी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी रूट टू इंटू ए, ठीक है बच्चों। तो जब आप बी और डी वाला जोड़ा लोगे यानी एफ बी डी निकालोगे तो अब इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी a नहीं है, इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी है रूट टू इंटू ए है, तो निकालते हैं चलो एफ बी डी परिमाण लेके चल रहा हूं तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर दूरी कितनी है रूट टू ए का क्या है बच्चों स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर। तो एफ बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, क्योंकि रूट टू का स्क्वायर टू हो गया और ए स्क्वायर है हमारे पास टू ए स्क्वायर। अब एफ डैश की वैल्यू हमारे पास है और एफ बी डी की वैल्यू हमारे पास है, तो अब इन दोनों का परिणामी एफ डैश और एफ बी डी का परिणामी क्या होगा दो समान सदिश है भाई इसको इसको अभी इसकी बात खत्म हो गई, ये हमने पूरा यहां से कैंसिल कर दिया एफ डैश और एफ बी डी, अब इन दोनों का परिणामी क्या होगा तो यहां निकाल दें इसलिए परिणामी बल इन दोनों का परिणामी समान दिशा में है डायरेक्शन क्या हो जाएगी डी बी के अनुदिश, तो बिल्कुल दोनों को जोड़ोगे कि एफ इज इक्वल टू एफ डैश प्लस बच्चों एफ बी डी, तो इसका मान आप रख लेंगे एफ डैश का मान कितना है रूट टू के
और क्यू अपॉन ए। ठीक है बच्चों, और एफ बी डी का मान कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर। तो सॉल्व आप कर लेंगे, मान दोनों का हमने रख दिया है, कॉमन कॉमन लेके आगे सॉल्व आप जितना कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या समझ रहा था हमें कि जिस भी आवेश में आपको बल निकालना है आपको ये देखना है कि उसके अलावा हमारे पास और कितने आवेश हैं। तो सभी आवेश से बल लगाएंगे, तो इस पर मैंने इसके कारण निकाला, उसको हमने क्या माना था एफ बी, एफ बी ए की वैल्यू क्या है के क्यू वन क्यू टू अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे सी के कारण बी बी पर फोर्स लग रहा है, उसको माना एफ बी सी, ये रहा एफ बी सी। अब इन दोनों का परिणाम ही एफ डैश मान लिया। हमें पता है कि जब लंबवत होते हैं दो सदिश तो उसका परिणामी क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करें, पी स्क्वायर इस बल का स्क्वायर करें, के क्यू वन, बेटा हमने स्क्वायर तो करा ही नहीं, इसको स्क्वायर भी करेंगे बच्चों, स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, एफ बी सी स्क्वायर, स्क्वायर ना, ये तो फोर्स का मान आ गया, इसको स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करना है, फोर्स का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, तो कहने का मतलब क्या आ गया, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें, एफ स्क्वायर है तो फोर्स का स्क्वायर करेंगे, तो आ गया टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब ये थोड़ा करेक्शन करेंगे इसमें, तो क्या बचेगा रूट टू, अब ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये ध्यान रखिए। ठीक है, स्क्वायर का नाम भूल गया इसमें, तो इसको हमने करेक्शन कर लिया चेक करके, रूट टू के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो फिर हमारे पास ये वैल्यू है ही, तो यहां भी इसको हम देखेंगे रूट टू, तो क्या आएगा ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप आगे सॉल्व भी कर सकते हो, एफ इज इक्वल टू क्या कॉमन आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा रूट टू प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, आगे सॉल्व कर लो इसमें, तो यहां फोर्स हमारे पास टू रूट टू प्लस वन अपॉन टू आ जाएगा बस, यानी के क्यू स्क्वायर, इसको मैं यहां लिख दू एफ इज इक्वल टू, इसको देख सकते हैं अपन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और टू रूट टू प्लस वन, ये ना टू रूट टू प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल फोर्स मिल जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप भी करेक्ट कर लें, स्क्वायर था इसमें स्लिप हो गया था वो, तो इसको ध्यान रखें आप। ठीक है बच्चों, तो इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो और एक छोटा क्वेश्चन करते हैं, कई बार बच्चों इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो ये हमने क्या लिया, कोई डोरी ले ली इस तरह, मान लो इसकी लंबाई भी एल है, इसकी लंबाई भी कितनी है एल, और यहां पर हमने कोई गोला लटका दिया, इसमें मान लो चार्ज कितना है प्लस क्यू, और इस गोले पर भी चार्ज कितना है मान लो प्लस क्यू है। ठीक है, तो क्यू आवेश के दो गोले हैं, उनको हमने ये साम्य अवस्था में है, और साम्य अवस्था में इनके मध्य जो एंगल है, क्यू आवेश के दो गोले हमारे पास हैं जो साम्य अवस्था में है, और इनके मध्य जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, यानी ये भी 30 डिग्री का है और ये बच्चा क्या है 30 डिग्री का। ठीक है, समान लंबाई की डोरियों से बांध दिया, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि डोरी में तनाव ज्ञात करो, डोरी में क्या ज्ञात करो, तनाव, टेंशन फोर्स हमें निकालना है, डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए, तनाव हमें निकालना है, ये पूछता है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपको कि जो निकाय है ये गिवन मिलेगा, निकाय संतुलन अवस्था में,
ठीक है बच्चों, निकाय कौन सा है, संतुलन अवस्था में है। तो कह रहे हैं डोरी में तनाव बताओ, संतुलन अवस्था का मतलब मैंने आपको बताया अभी कि भाई फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, परिणामी बल क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो होना चाहिए। तो आप देखें इसको, ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है। सपोज करो मैं एक जनरल फॉर्मूला लेके चल रहा हूं, मान लो ये भी थीटा है और ये भी क्या है, थीटा। तो अब क्यों क्यू का कोई भी मान आपको दे सकता है, एल का मान दे दे, थीटा का मान दे दे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये सिस्टम आपका संतुलन अवस्था में है तो डोरी में क्या ज्ञात करो, तनाव ज्ञात करो। अब देखो संतुलन अवस्था का मतलब क्या होगा कि इस पर भी परिणामी बल जीरो होगा और इस पर भी परिणामी बल क्या होगा, जीरो होगा। तो आप चाहे इसको लेके चल लो चाहे इसको लेके चले, ठीक है। चलो मैं इस पर ध्यान दूं कि भाई ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इनका फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वैद्युत बल। ये मान लो सपोज करो डिस्टेंस अपन मान ले, डिस्टेंस मान लो आर है, तो यहाँ एफ ई फोर्स लगेगा और वो फोर्स कितना लगेगा, के क्यू वन क्यू टू एक स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और मान लो आर की दिशा में लेके चल रहे हैं तो मैंने क्या मान लिया इसको, आर कैप, ये फोर्स लगेगा इस पर इसके कारण। तो इस पर क्या यही वैद्युत बल लग रहा है। तो बच्चा ध्यान से आप देखोगे कि ये जो प्लस क्यू वाला चार्ज हमारे पास है ये गोला है, भाई गोले का द्रव्यमान भी तो होगा, द्रव्यमान के कारण एक फोर्स लगेगा, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल, यानी इसका मान क्या होगा बच्चों, एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, इसे इलेक्ट्रिक फोर्स बोल दिया, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वैद्युत बल है और ये कौन सा बल है, गुरुत्वीय बल यानी भार, भार, और ये कौन सा बल है, वैद्युत बल, ठीक है बच्चों। अब mg फोर्स लग रहा है तो एक डोरी में क्या उत्पन्न होगा, तनाव, टेंशन। डोरी में क्या उत्पन्न हो गया, तनाव उत्पन्न हो जाएगा, टी उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि भाई ये संतुलन अवस्था में है तो आपको परिणामी बल क्या करना पड़ेगा, जीरो। तो बच्चों देखो ये टी है, इसके मैं घटक बनाऊं तभी हमें संतुलन अवस्था का पता लगेगा, ये बच्चा टी के हो जाएंगे घटक, ये टी हो गया परिणामी, ये इसका घटक हो गया, ये वाला इसका हो गया, ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। तो बच्चों टी का, इसको मैं यहां लिख दूं एल, लंबाई है डोरी की, इस टी का इस दिशा में घटक क्या होगा, कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, जहां थीटा होता है वहां क्या लगा देते हैं, कॉस, पता ही है आपको, पढ़ा हुआ है। और लंबो दिशा में घटक क्या होगा, टी साइन थीटा, क्या होगा बच्चों, टी साइन थीटा। तो अब साम्यावस्था के लिए क्या होगा कि ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल, आरएचएस वाले बल बराबर आरएचएस वाले बल, तभी निकाय क्या रहेगा, संतुलन में रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं, साम्यावस्था के लिए, साम्यावस्था के लिए क्या होगा, क्या लिख सकते हो, P cos थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और T sin थीटा, T sin थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, परिमाण लेके चले तो समान क्या हो जाएगा, एक ऐसे परिमाण एम जी। तो T cos थीटा इज इक्वल टू एम जी और T sin थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन नंबर टू, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों इक्वेशन से आप थीटा भी निकाल सकते हो, नहीं दिया हो तो आप दूरी भी निकाल सकते हो और आप T का मान भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर आपको R का मान दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, K तो आप जानते ही हो, K का मान क्या होता है, 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है इस दो इक्वेशन से, अगर आप भाग दोगे तो थीटा निकल जाएगा और अगर आप थीटा निकाल कर
ये हमारे पास क्यू का मान है, थीटा निकाल सकते हो, तनाव पी का मान भी आप निकाल सकते हो, और अगर आपको तनाव दे दे तो आर भी निकाल सकते हो। ये दो इक्वेशन आप ध्यान रखें, इन दोनों को सॉल्व करके, अब डिपेंड करता है आपको दिया हुआ क्या है, उसी हिसाब से आप कोई भी मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।